हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले फ्रेंड सलमान खान का ये पोर्ट्रेट। सो इस फोटो को ग्रिड में बनाने से पहले, इसका आउटलाइन बनाने से पहले, सबसे पहले आपको सही तरीके से कंपोज करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस फोटो को गैलरी में ही रख के आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना होगा ताकि हम इसे अच्छी तरीके से कंपोज कर पाए। और किस तरीके से करना है मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा, क्योंकि फ़ोटो का साइज जिस हिसाब से है तो हमें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि हमारा जो पेपर है उस पर परफेक्ट बैठे ये फ़ोटो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, टैप करना है यहाँ पर और सिंपल से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आइट साइड ब्लैक ब्लैक एरिया बचे तो हमें भी पेपर पर वो स्पेस मिल सके। सो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब बस आपको ऐप पर जाना है जिससे हम ग्रिड बनाएंगे। ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट नाम का ऐप है और यहाँ पर A4 साइज वर्टिकल सेलेक्ट करके यहाँ पर सिर्फ गैलरी में जाना है आपको और स्क्रीनशॉट, देन यहाँ पर जाके आपको जो फिर ऊपर का जितना एरिया है आपको उसको क्रॉप करके रख लेना है। देखिए आइट साइड का एरिया हमें मिला है उस कारण यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है वो पेपर पे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगेगा और उसी को अगर हम इस तरीके से स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो वो पेपर से एकदम ज़्यादा, मतलब पेपर पर पूरी तरीके से कंपोज हो जाता है, ऐसा नहीं लगता कि पेपर पर परफेक्ट कंपोज है। सो फ्रेंड्स ये कंपोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं। और अभी मैं 2 सेंटीमीटर का ग्रिड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है फोटो पर और सेम मैंने पेपर पे भी बना लिया है 2 सेंटीमीटर का ग्रिड। और बस अब आपको ये चेक करना है कि हमारा जो पोर्ट्रेट का आईज़ है, जैसे यहाँ पर आई है, ये कौन से बॉक्स पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम वो चेक कर लेंगे कि हमारा ये आई है वो कौन से बॉक्स पर आ रहा है। सबसे पहले काउंट करना है, हमें यहाँ से काउंट करना है। आपको नंबर भी यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर के बॉक्स पर नीचे में कोने पर हमारा आई स्टार्ट होगा। सो ये सब चीज़ आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि कहाँ पर हमारा आई स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर पेपर पे भी एक बार काउंट कर लेते हैं ऐसे ही और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। और जो ऊपर से 4 से फिर नीचे 6 नंबर के बॉक्स पर आ रहा है सो हमें भी पहले वो काउंट कर लेना है, उसके बाद ही हमें वहाँ से आई बनाना स्टार्ट करना है। सो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर आई आएगा। सो हमने मार्क कर लिया और अब फ्रेंड्स मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से दिख पाए कि मैं किस तरीके से यहाँ पर आउटलाइन बना रहा हूँ। सो सबसे पहले गाइस ध्यान से देखना फोटो को कि इसका आई का शेप किस तरीके से है। आप देखिए मैं किस तरीके से इसका आउटलाइन बना रहा हूँ और बिल्कुल सेम आपको आई का शेप फॉलो करना है। और फ्रेंड्स मैं जो आउटलाइन बना रहा हूँ उस फोटो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा ताकि आप इजीली इसे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाए। और ओरिजिनल फोटो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो चीज़ डाउनलोड कर लेना और उससे ड्रॉ करना। सो अभी मैं यहाँ पर आई का शेप बनाया, आप देख सकते हैं किस तरीके का है। और जो आई के ऊपर का पलकी का लाइन होता है मैंने उसे भी ड्रॉ किया और अभी जस्ट आई बॉल ड्रॉ किया। सो आपको भी ऐसे ही कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आई पर कुछ कुछ डिटेल है वो हम शेडिंग पार्ट में करेंगे, आप चाहे तो आउटलाइन पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। और अब मैं ये जो चश्मे का शेप है उसका इनर शेप है जो मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो ग्रिड लाइन बना हुआ है उसे किस तरीके से क्रॉस करते हुए वो लाइन ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर जो चश्मे का आउटलाइन है, बस आपको ग्रिड लाइन देखना है कि किस तरीके से वो लाइन को क्रॉस करके दूसरे लाइन पर जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये एग्जैक्ट सीधा जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे हल्का सा कर्व, और इधर भी आपको बिल्कुल आराम से बनाना है यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पे हल्का हल्का सा, जितना भी हमारे चश्मे का मोटाई है, जितना भी उसका शेप दिख रहा है सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। सो आप चाहे तो इसमें आई के डिटेल भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट आई बनाया था सेम उसी तरीके से हम सेकंड आई भी ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स मैंने ये फ़ोटो इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें लाइट एरिया और डार्क एरिया काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, क्योंकि एक साइड फेस पर लाइट पड़ा है दूसरी साइड डार्क एरिया। तो अगर आप ये बनाएंगे तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगा अगर आप इस तरीके के पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं तो। सो अभी मैं यहाँ पर चश्मे को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। किस तरीके का चश्मा है आप देख सकते हैं, बस शेप फॉलो करना है कि किस तरीके से गया। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप आउटलाइन जैसे मैं बना रहा हूँ आप देख के ईजिली ड्रॉ कर लेंगे, फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। सो बस यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ
और फ्रेंड मिस्टेक होता है तो आप बिल्कुल पहले ऊपर में और एक लाइन चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे परफेक्ट बनाइए, जब तक आपको लगे कि नहीं कि हाँ मुझसे परफेक्ट ड्रॉ नहीं हुआ, तब तक आप उसे ट्राई कीजिए कि आप परफेक्ट बना पाओ। आप लाइन टू लाइन खींचते जाओ, देखते जाओ कि सही जा रहा है कि नहीं। सो यह हमारा इस साइड का भी आई और चश्मा कंप्लीट हो गया है, और बाकी डिटेल तो हम शेडिंग पार्ट में करेंगे। आईब्रो को भी मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा स्ट्रोक देकर यहाँ पे आईब्रो को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सा आईब्रो है, बाकी तो शेडिंग पार्ट में देखा जाएगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं चश्मे का जो बीच है वहाँ पर हल्का सा एक लाइन गया है, उसको भी हम शेडिंग पार्ट में परफेक्ट बनाएंगे फ्रेंड। और नोज तो इसमें काफ़ी सिंपल सा है, बस हल्का सा आपको शेप फॉलो करना है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसा गया है। और डार्क एरिया भी देखिए फ्रेंड, नोज़ में काफ़ी परफेक्ट है, तो इसमें शेडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आप इसका शेडिंग पार्ट भी ज़रूर देखना। सो हमारा ये नोज़ कंप्लीट हो गया है, अब हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। सो लिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो मेड लाइन होता है हम उसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो अपर लिप्स होता है उसका शेप हल्का हल्का सा ड्रॉ करते फॉलो करेंगे कि किस तरीके से लाइन गया है। और अपर लिप्स ड्रॉ करने के बाद लोअर लिप्स भी हमें ड्रॉ कर लेना है। और फ्रेंड्स कोई भी स्टेप लो, आप जो भी नोज़ बना रहे हो, लिप्स बना रहे हो, सारी चीज़ को आप बिल्कुल स्लोली ड्रॉ करो ताकि आपसे परफेक्ट ड्रॉ हो। और यहाँ पे फेस पर जो लाइन होता है फ्रेंड, जो एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता है, उसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बना लिया है। और अब फ्रेंड जो सलमान खान है उसका इनर आउटलाइन है फेस का, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हेयर से स्टार्ट करते हैं। सो हेयर में मैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रोक देते हुए लगा रहा हूँ, क्योंकि हेयर थोड़ा स्ट्रोक देते हुए है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट लाइन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रोक देते हुए जो फेस का इनर आउटलाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस साइड में आप ध्यान से देखना, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा शेड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट लाइन नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें डार्क शेडिंग दिख रहा है, इसलिए हमें उस तरीके से ही शेड करते हुए उस लाइन को बनाना होता है। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आएगा फ्रेंड, जब आप कमीशन वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप इस तरीके के पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। इसलिए मैं अलग अलग टाइप के पोर्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ फ्रेंड, ताकि आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो। सो अभी मैंने ईयर बना लिया। ईयर बनाने के बाद सिंपल सा जो फेस का शेप है, ग्रिड लाइन को देखते हुए बस आपको फॉलो करते जाना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ और उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहे तो मेरा आउटलाइन भी देखकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर रेफरेंस फोटो को देखकर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही तो मेरा आउटलाइन भी देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस साइड का भी ईयर बना लेता हूँ, और नेक वाला पोर्शन भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे नेक वाला पोर्शन ज़रूरी नहीं कि आप उसको ग्रिड मेथड को एक एक लाइन को प्रॉपर देखो, आप चाहे तो यहाँ पे फ्री हैंड थोड़ा ऑब्जर्व करके कि कहाँ पर किस तरीके से लाइन गया है वो देखकर भी आप परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके का है। सो ये टी शर्ट ड्रॉ हो गया। सो अब फ्रेंड जो हेयर है उसे हम शेप जो है जो भी हेयर का वो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने हेयर किस तरीके से ड्रॉ करना है बताया है आउटलाइन का, कि किस तरीके से एक एक बॉक्स के सपोर्ट में कि हाँ इस बॉक्स को बना लिए, इस बॉक्स का लाइन बना लिए और इस बॉक्स का लाइन बना लिए, वो देख देख कर आपको हेयर के लाइन को फॉलो करते जाना है, तब आपका परफेक्ट आउटलाइन बनेगा। और ये काफ़ी ईजी तरीका है, मैंने आपको कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देख लेना। सो अब मैं हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ पे डार्क टोन होगा फ्रेंड, वहाँ पे हल्का हल्का सा शेड कर रहा हूँ, ताकि मुझे अपना आउटलाइन परफेक्ट लगे और पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सो इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन मैं मोस्टली बहुत सारे ड्राइंग में इस तरीके से करता हूँ ताकि मुझे अपना आउटलाइन परफेक्ट नज़र आए और कुछ मिस्टेक हो तो मुझे पहले से पता चल जाए। सो ये हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो गया। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल वीडियो लाता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताना ये पोर्ट्रेट कैसा लगा आपको।